नशा नाश की जड़ है। सभी लोग नशे से दूरी बनाए। नशे के चलते अच्छा स्वाभिमानी व्यक्ति भी अपराधी बन जाता है और अपना और अपने परिवार का जीवन नरक बना लेता है। इसलिए सभी लोग नशे से दूरी बनाए। उक्त उद्गार जगदीश डाबर साजापुर SP ने जामनेर बस स्टैंड पर आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में कही। यह कार्यक्रम थाना मंडी क्षेत्र के ग्राम जामनेर में जनसंवाद किया गया, जिसमें नशा मुक्ति अभियान के तहत ग्रामीणों को नशा नहीं करने की समझाइश दी गई एवं ग्रामीण सुरक्षा समिति के माध्यम से किस प्रकार गाँव के लोग पुलिस की सहायता कर सकते हैं, इस विषय पर संवाद किया गया। मंगलवार शाम 5 बजे जामनेर बस स्टैंड पर साजापुर जिला पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर सुजालपुर पुलिस थाना अंतर्गत ग्राम जामनेर में जन संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ। सुजालपुर से ब्रज राठौड़ की रिपोर्ट। बहुत नुकसान होता है। आपने अपने जीवन में ऐसे लोगों को देखा होगा कि जो रात दिन किसी न किसी तरह का नशे का सेवन करते हैं, उनका पूरा परिवार परेशानी में रहता है, उनका विवेक काम नहीं करता, शरीर काम नहीं करता, बुद्धि काम नहीं करती और वो हमेशा अपने परिवार से लड़ाई झगड़े करते हैं, पति पत्नी में नहीं बनती है, बच्चों के साथ मारपीट करते हैं। इसलिए इस अभियान के तहत लोगों को जागरूक करने का काम भी पुलिस कर रही है। हालांकि मेरा ऐसा मानना है कि ये चीज ऐसी है, अगर किसी को लत लग गई है तो उसको छुड़ाने के लिए जो बहुत ही ज़्यादा आदि हो जाता है उसको अस्पताल का सहारा लेना पड़ता है और वो उस परिवार की ही जिम्मेदारी है। अगर किसी को बहुत बुरी तरह से लत लगी हुई है तो उसकी देखभाल करना, उसको नशे से दूर करना, उसका इलाज कराना, ये उन्हीं का काम है, क्योंकि वो भी आप ही के परिवार का सदस्य। उनके प्रति संवेदनशीलता रखते हुए, सहानुभूति रखते हुए उनके सुधार के लिए काम करना ये गांव की सबकी जिम्मेदारी रहती है और ये आप सब लोगों की जिम्मेदारी है। चूँकि गांव आपका है, यहां पे रहना आपको है, इसलिए अगर इस गांव में कोई अवैध गतिविधि चलती है, कोई बदमाशी करता है तो उसकी सूचना पुलिस को दे और उस व्यक्ति को, देखिए ऐसा कहते हैं कि व्यक्ति बुरा नहीं होता है, उसके अंदर जो बुराई आ गई है वो उसको बुरा बना देती है। लेकिन अगर आप प्रयास करेंगे, चाहे व्यक्तिगत रूप से हो या कानून के माध्यम से हो, उस व्यक्ति को उस रास्ते से सही रास्ते पे लाना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन उसमें प्रयास की आवश्यकता होती है। जहाँ तक ये जनसंवाद, हम लोग वैसे भी हमारे जो थाना प्रभारी है उनको निर्देशित करते हैं कि गांव-गांव में जाकर लोगों से बात करें, एक संवाद होना चाहिए, कभी भी संवादहीनता नहीं होनी चाहिए। अगर पुलिस गांव में आती है, लोगों से बात करती है, 10,000 के आबादी वाला गांव है, इसमें अगर 100 आदमी 50 आदमी भी तैयार हो गए और हफ्ते में मात्र एक दिन उनको रात्रि में जगना है, वैसे भी आप पानत वगैरह करने जाते होंगे, खेत में पानी पिलाने जाते होंगे तो जगते ही होंगे, तो ये थोड़ा सा व्यवस्थित रूप से अगर आप काम करेंगे तो एक भी चोरी आपके यहाँ सुई भी चोरी नहीं हो सकती, अगर आप लोग ठान लो तो। लेकिन हम सिर्फ बात करें और ये कहें कि वो चोरी करके ले गया, पुलिस ने नहीं किया, हमने पैसे दे के छुड़ाया, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप लोगों की भी कमी है। एक, आप पुलिस की मदद नहीं लेना चाहते, दूसरा अपने गांव के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने लिए थोड़ा सा समय भी नहीं निकालना चाहते, तो ये बहुत ज़रूरी है। थाना प्रभारी
से मैं कहूँगा कि वो अलग से आके यहाँ पर बैठे, और जो स्वेच्छा से ग्राम रक्षा समिति में काम करना चाहते हैं उनकी कमेटी बनाए, एक रजिस्टर बनाए, उनको कार्ड उपलब्ध कराए और रात में डेली फिक्स करे कि ये लोग आज रात में यहाँ पे गश्त करेंगे, और सारे लोग ये करें और दिन में भी नज़र रखें कि कौन आता है, कौन चोरी करके जाता है। तो ये कोई ऐसा गांव में चोरी रोकना बहुत बड़ा काम नहीं है, इतना बड़ा वो नहीं है कि अगर गांव वाले ठान ले तो यहाँ चोरी हो। इसलिए मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है कि आप ग्राम रक्षा समिति का गठन करें, पुलिस के साथ जुड़े और अपने गांव की सुरक्षा करें, गांव में खुद पुलिस का काम करें। ये पुलिस आपको अधिकार देती है। ये अगर किसी को इसमें कोई परेशानी हो तो थाना प्रभारी समय समय पे आएंगे। जैसा किसी ने कहा कि गाड़ी यहाँ पे गश्त में आए, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि समय समय पे गाड़ी भेजें और उन लोगों को जो रात में गश्त में रहें उनके साथ बैठें, मिलें। और ये इसी गांव के लिए नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हर गांव में होना चाहिए, और मैं सभी थाना प्रभारियों से यही कह रहा हूँ कि सभी गांवों में जाए और ग्राम रक्षा समिति को सक्रिय करें। पहले से बनी हुई है लेकिन कुछ समय से किसी कारण से निष्क्रिय सी हो गई है, उसको हमें पुनर्जीवित करना है, उनके साथ जुड़ के काम करना है, उनकी समस्याओं को सुनना है। ये सब लोग करेंगे तो मेरा ऐसा मानना है कि हम लोग इस काम में सफल होंगे। और हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।